लॉरेंस ने कस्टडी के दौरान इंटरव्यू की है, ओदा मंतव की सी। मैं सीएम भगवंत मान साहब को पूछना चाहना है विद रिस्पैक्ट, 5 महीने हो गए मान साहब, तुम बहुत स्टेजा से संबोधन करते हो, किसी स्टेज तो दस दो लोगों भी वो इंटरव्यू करने का मकसद से भाई को तुम एवं ना कोई वहम पालवान के बच्चे वो जो भी तुम देखोगे बड़ी आसानी के नाल कदे साथी गैंगस्टर के नाल किड्डा बड़ा उन्हें नक्शे चला रखे, उन्हें साढ़े सिस्टम को खरीद रखे रखे सारे को, उते कोई भी कार्रवाई कोई भी बयान, मैं कहना भी अपोजिशन का लीडर भी कोई इस चीज़ उत्ते बयान देने राजी नहीं है, पता नहीं। और इस अन्नी बोली सरकार, मैं पिछले संबोधन में भी एतबार को कही थी, क्योंकि संगत गल बारी बारी रिपीट तो करनी पैंदी है, असीं जिहड़ियां गल्लां सरकार तो पुछदे हां, 6 महीना लग गया सरकार ने, सरकार की देखरेख च, मैं तो नहीं कहूँगा कि सरकार ने करवाई है, परंतु सुन मैं ये भी लगन लग जूगा हौली हौली कि सरकार ने करवाई है, जो सरकार उसे कोई उत्तर नहीं देके रहा। लॉरेंस ने कस्टडी के दौरान इंटरव्यू की है, वह मंतव की सी। मैं सीएम भगवंत मान साहब को पूछना चाहना है विद रिस्पैक्ट, 5 महीने हो गए मान साहब, तुम बहुत स्टेजा से संबोधन करते हो, किसी स्टेज तो दस दो लोगों भी वो इंटरव्यू करने का मकसद से भाई को तुम एवं ना कोई वहम पालवान के बच्चे वह अभी थोड़ा जहा मशहूरी करनी थी, जहाँ कितों टिकट देने की सलाह बना रहे हैं, ता करके इंटरव्यू कराए थे दस दो लोगों, मैनू कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। घट्टो घट मैं चाहना जो तुम बैठे हो तुम इस गल सारे समझ लो भी सरकार गैंगस्टर की मदद किड़े ढंग ना कर रही है। एक जेल च बैठा बंदा ये श्रेणी का जरा गैंगस्टर समागलर UAPA का जरा कैदी इन सख्त धरावान टैरोरिस्ट कि टैग है जेडे उन्होंने सरकार ने नहीं दिते हुए, तो फिर इन सहूलत का देने जो भी तुम देखोगे बड़ी आसानी के नाल कदे साथी गैंगस्टर के नाल किड्डा बड़ा उन्हें नक्शे चला रखे, उन्हें साढ़े सिस्टम को खरीद रखे रखे सारे को, उते कोई भी कार्रवाई कोई भी बयान, मैं कहना भी अपोजिशन का लीडर भी कोई इस चीज़ उत्ते बयान देने राजी नहीं है, पता नहीं की चक्कर है, परमात्मा जानता भी असल च गल की है, पर तुसीं थोड़े कोल चल के आउणगे मैं तुहानूं हाथ जोड़ के बेनती करदा एक गल पुछ लो, जे मैं गलत हाँ मैं हाथ खड़ा करके कह दो भी तू इस गल से गलत है चुप कर दे, मैं दोबारा इस गल का जिक्र नहीं करता। सारे लोगों को मैं हाथ बन के बेनती करता, बड़े सत्कारयोग हो, तुहाडे मन दे विच बड़ा हमदर्दी है परिवार को लेके, पर यह सानू बेवजह मार दिता गया, साडा कसूर इन्ना सी भी एक छोटे परिवार चो उठ के जवाक ने संसार भर के उत्ते अपनी पहचान बनाई, अपनी पग नू अपने कल्चर नू इन्ना राइज किया कि गोरे काले भी सिर ते पग रख के अपना माण महसूस कर लगे, ये साड़ी गलती सी, गलती कहांगे क्योंकि सरकार ने बना दी, असी अपने वधिया मिशन से लगे हुए सी, आपके धर्म की आपके कल्चर की जवाक वधिया देखे लगे सी, सोहणियां गल्लां बातां गीतां राही नशे तो परे होके धी भैण की इज्जत दा सांझी, इस तो चंगा कलाकार मैनू तो नहीं लगता कोई बंदा आदतां पा सकता पी, इस ग्लैमर लाइफ के रह के अपने आप को इन्ना साल के रखना यह बालक की मेहर तो बिना नहीं हो सकता, परंतु वह भी इन्हों बुरा नहीं लगे, वह भी अखा के चुभन लग गया, तो फिर जाइए कि पास असं सारे कामना करते हैं सुखा सुखते भी साड़ी जी अगली पीढ़ी नेक हो कमाइया करे, तो पर जे कोई कर्म लगे आंदा फिर वो मगर जरा आ लाना इन्होंने खड़ा करता, तो यकीन करो एक कतल करने तो बाद बदमाश डीसी वर्गी फीलिंग लैन लग जाता है, जो वो इलाके कोई उन्हें रौले गौले वाला वाहन दबना कोई जमीन दबनी है वो गल कर थोड़ा जे किसी का वाह पिया हो अंदाज देखो गल कर, हाले एक IAS अफसर गल करता निम्रता दे लॉजिक दे गल करता है, कदे भी आप तो तुसी तो बिना नहीं बोलता, परंतु इन्हों की बोली कदम सुन के देखो जो परमात्मा करे कानू करना जवाज पावे इन्हों की भैनी, इन्हों का बोलने का स्टाइल की होता है, और आपने आप को एक वक्रे ग्रुप बना के हरेक बंदा एक कतल करने तो बाद अपना ग्रुप बनाने की गल करता है,
क्यों कर लग गया? क्योंकि साड़ी पॉलिसी है नहीं कोई। 302 दी धारा मर्डर केस लिए बहुत छोटी पैन लगी, नहीं गिनते उस गल नूं। इसे करके ना मिनट के बंदा मार देंगे। इन्होंने कदे सोचे कदे एक जवाक मरन तो बाद परिवार का हाल की होंगे, कितना बड़ा गैप पैदा होंगे, परिवार 40 साल चाके पिछे मार दूं किहड़े पासे जाण बजुर्ग मापे। परंतु एक लीडर ने बड़ा बेशर्मी दे नाल बयान दिता, इहो जिहे कतल तां हरेक पिंड दे विच कत्ता हो जांदा, कहिंदा मौत। मैं मंनदा जे 12,500 पिंड है, पिंड पिंड मौतां होंदियां ने, मौतां होंदियां ने, जन्म होया मौत भी होगी। उम्र टाइम के लिहाज ना बंदे की मौत होती है, ठीक है, एक मर्याद है, भाने के तहत बंदा चला जाता, कोई बड़ी गल। पर तुसी जगो देर भी की है, तुसी वेलणा ने कमाइया करन की खातर एक नेक इंसान नू मारिया है, उस कतल ना किवें रल गया यह कतल? बाकी कतल होंगे 10 दिन बाद भोग पै जाता, उस तो बाद लाइफ नॉर्मल हो जाती है। अज 1,25,000 हो गया तो फिर इन्ना कट कहदे लई है? जे एक सधारण कतल है, मैं उस लीडर नूं पुछना चाहुंदा भी तू बयान तां दिंदा है, तू आके वेख, कदे विहड़े च बह के देख लोक की कहिंदे, उहनां दी गल सुन के देख। तां करके मेरी थोड़े चरणां च इक्को ही बेनती है, इह इक्को इक चीज़ तों डरदी है भगवंत मान दी सरकार, कठ तों। इहनां नूं चाहीदे केवल ताड़ियां, इहनां नूं ताड़ियां ना दिओ फालतू। जो गल तुहाडे मन दे विच है, तुहानूं मेरी गल सही लगे तां मन्नो, अंतरात्मा दी आवाज़ तुहाडी कहे भी जिहड़ा बजुर्ग मेरे सामने खड़ के गल कहिंदा उह गल सही है, उह दुखी है, असीं उहदे हक च हैं, तां इहनां नूं सवाल लाजमी करिओ। अदरवाइज थोड़ू लगे मैं गलत आता, मैं तुहाडे तों माफ़ी मंगूंगा। मैं मेरा किसी का रोसा कोई नहीं, मैं जलंधर वाले लोगों का भी धन्यवाद करता जिन्हां ने इन्हों बहुत वड्डी पद्धर दे उत्ते हराया। जित भावें गए पर हारे ने, जिहड़ी इहनां दी उथली हालत सी, मैं इहनां नूं हारे हुए गिणदा। तां ऐतकी भी ये हुण तुहाडे दर दर ते आउणगे, रैलियां करन लग गए, दिल्ली तों भी आउण लग गए, तां इहनां नूं इहनां दा माण सत्कार जरूर दिओ। जो भी जिस ढंग नाल तुसीं दे सकदे हो, समझाउण दी कोशिश करो कि साडी जिहड़ी है नौजवानां नूं बख्श दिओ। असीं कोई माड़ा काम नहीं कीता, असीं